यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है रविवार शाम की प्रार्थना में। हम हमारी यीशु की पूजा करेंगे आज शाम को। हम आज मूसा की कहानी सुनेंगे और उनकी कहानी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हमें हमारे जीवन में लेके आना चाहिए। मेरे दोस्तों, अभी एल्विन हमें गीत के द्वारा यीशु की पूजा करने में हमारी मदद करेगा। एल्विन बोल रहा है कि अभी हम देखेंगे कि भगवान की कृपा कितनी कितनी विभिन्न है, कितनी नई है और हमेशा कितनी कितनी ज़्यादा है भगवान की कृपा हम सब पे। तुमने पानी को शराब में बदल दिया। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आपने राख से हमें नया जीवन दिया है। हमारा भगवान कितना महान है। हे मेरे भगवान, आप और किसी से कितने ज़्यादा महान हो। आप एक चिकित्सक हो। आप हमारे प्रभु हो। आप कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो। आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आप कितने बड़े चिकित्सक हो। आप मेरे प्रभु हो। आपने पानी को शराब में बदल दिया। अंधे के आंख खोल दिए। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे भगवान। अंधकार में आपने अपना प्रकाश जलाया। राख से आपने हमें जिंदा कर दिया। आप जैसा कोई नहीं है मेरे भगवान। मेरे भगवान महान है। मेरे भगवान शक्तिशाली है। आप सबसे ऊपर हैं। महान चिकित्सक हैं मेरे भगवान, मेरे प्रभु। मेरे भगवान महान है, शक्तिशाली हैं, सबसे ऊपर हैं, महान चिकित्सक हैं मेरे भगवान, मेरे प्रभु। अगर मेरे भगवान मेरे साथ हैं तो कौन मुझे रोक सकता है। अगर मेरे भगवान मेरे साथ हैं तो मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर मेरे भगवान मेरे साथ है तो कौन मेरे सामने रहेगा, कौन मुझे हरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया मेरे यीशु। हालेलुया। मेरे भगवान महान है। मेरे भगवान शक्तिशाली है। हमारे साथ जो कुछ भी है, हम शक्तिशाली हैं क्योंकि हमारे अंदर जो भगवान है वो शक्तिशाली है और वो ज़्यादा शक्तिशाली है अपितु जो हमारे आसपास है। मेरे दोस्तों, आंखें बंद कर दो और घोषणा कर दो, घोषित कर दो कि मैं मेरे भगवान में शक्तिशाली हूँ, मेरे ख्रिस्त में शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ मतलब मेरे आसपास जो भी मुझे दिक्कत है, जो भी दुख है, उन सबसे मैं महान हूँ। मेरे भगवान शक्तिशाली हैं, महान हैं और मेरे आसपास के सब संकट से ज़्यादा महान हैं। मेरे दोस्तों, हम ये बार बार घोषित करें कि मेरे भगवान हर एक संकट को भगा देंगे।
जिन लोगों को कैंसर है हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई आपके दोस्त या परिवार के सदस्य जिनको कैंसर है या कैंसर के लिए वो चिकित्सा ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, अभी उन सबको समर्पित करो। हे मेरे भगवान, मैं आपके लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मेरे भगवान, यीशु के नाम में मैं अभी विश्वास कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान सबसे महान है। मेरे दोस्तों, ये चिल्ला चिल्ला के घोषित करो कि मेरे भगवान सबसे महान है, मेरे भगवान सबसे महान है। हे मेरे भगवान, आप महान हो, आप सबसे ऊपर हो और किसी से कितने ज़्यादा ऊपर हो। हे मेरे भगवान, आप मेरे महान यीशु, मेरे महान यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे यीशु, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके परिवार के सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जिनके परिवार में किसी को कैंसर है, उनके दर्द के लिए, उनकी मानसिक अवस्था के लिए मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आमेन, आमेन। मेरे दोस्तों, अब मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको लिवर में दिक्कत है, जिनके जिगर में कुछ दिक्कत है, आपके अंदरूनी अंगों को अभी आप समर्पित करो। अभी भगवान किसी को चंगाई दे रहे हैं जिसके जिगर में दिक्कत है पिछले 2 साल से। अगर तुम किसी को जानते हो जिसको जिगर में दिक्कत है, उसको ये प्रोग्राम का लिंक शेयर करो। अपने आंतरिक अंग को अभी समर्पित करो। हे मेरे यीशु, आप पे विश्वास करके हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं। आप महान हो, आप शक्तिशाली हो, आपसे ही चंगाई बहती है। आप कितने महान हो, आप कितने शक्तिशाली हो। मेरे भगवान शक्तिशाली है, मेरे भगवान सबसे ऊपर है, मेरे भगवान महान चिकित्सक हैं। हे मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली हैं, मेरे भगवान सबसे ऊपर हैं, मेरे भगवान महान चिकित्सक हैं, शक्तिशाली हैं, मेरे भगवान, मेरे प्रभु। मेरे दोस्तों, भगवान अभी किसी को चंगाई दे रहे हैं जो रात को सो नहीं पा रहा है और किसी प्रकार का मानसिक चिंता है उनके दिमाग में, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। अभी भगवान उसको दिलासा दे रहे हैं जिससे कि वो अच्छे से सो पाए। अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो रात को सो नहीं पाते हैं। हे मेरे भगवान, आप पूछो ये, हे भगवान आप आओ और मुझे इस अवस्था में मेरी मदद करो। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा हूँ, योजना कर रहा हूँ, और जब चीज़ें मेरी योजना के अनुसार नहीं जाती तब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। काफ़ी बार मैं मेरे आसपास के लोगों को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं अपनी अवस्थाओं को लेके बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे डर और भय हैं, उन सबको अभी समर्पित करो। हे मेरे भगवान, मैं ऐसे सारे लोगों को समर्पित कर रहा हूँ जिनके दिमाग में ये सारी सोच चल रही है जिसके वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं।
हे मेरे भगवान यीशु, आपके नाम पे मैं पूर्ण रूप से विश्वास करके अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। चलो हम सब घोषित करें कि मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली है, मेरे भगवान सबसे ऊपर है, मेरे भगवान महान चिकित्सक है, मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान मेरे प्रभु, मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली है, मेरे भगवान सबसे ऊपर है, मेरे भगवान चिकित्सक है, बहुत शक्तिशाली है, मेरे भगवान मेरे प्रभु। मेरे दोस्तों, आज के लिए तुम बार बार अपने हृदय में ये बार बार बोलते रहो कि मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये तीन वचने तुम अपने दिमाग में बार बार दोहरा के गीत गाते रहो। हम बार बार ये गीत गाएंगे और मन में रखेंगे जब हम बाइबल के वचन सुनना चालू करें। तो मेरे दोस्तों, अपने आँखों को बंद करके ये चीज़ें घोषित करो और बाकी दिन में भी ये बार बार दोहराते रहो। मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली है, मेरे भगवान सबसे ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली है, सबसे ऊपर है मेरे भगवान, मेरे भगवान महान चिकित्सक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भगवान महान है, शक्तिशाली हैं, सबसे ऊपर हैं। मेरे भगवान महान है, मेरे भगवान शक्तिशाली हैं, मेरे भगवान सबसे ऊपर हैं। मेरे दोस्तों, इसको दोहराते रहो पूरे दिन के लिए। और अभी हम बाइबल का वचन चालू करेंगे, वापस फिर उद्धार की प्रार्थना चालू करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 11 में, एक्सोडस चैप्टर 33 में ग्यारहवें वचन में लिखा है कि मूसा कैसे भगवान के साथ व्यवहार करते थे। वो जब इसराइली जनों के नेता बन के आगे जा रहे थे, तब वो क्या करते थे, हम वो अभी पढ़ेंगे। यहोवा मूसा के आमने सामने बात करता था। यहोवा मूसा से इस प्रकार बात करता था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। जब हम ये देखते हैं, तब हम समझते हैं कि मूसा कितना शक्तिशाली था। जब मूसा अपने लोगों को आके लेके जाता था, भगवान मूसा से बिल्कुल आमने सामने बात करता था, जैसे हम हमारे दोस्तों से बातें करते हैं। उतनी स्वतंत्रता थी मूसा और यीशु के सामने। तो मूसा को पूरी तरह से एक नेता चुना गया था इसराइली जनों के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम नेता हो अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल में, या किसी प्रकार के तुम नेता हो, तो हमें ऐसा एक इंसान बनना ज़रूरी है। हमें हर दिन सुबह, हर समय हमें भगवान से आमने सामने बात करना ज़रूरी है। तो हर दिन थोड़ा सा समय निकालो अपनी निजी प्रार्थना में, जब तुम भगवान की बात सुनो और भगवान की बात समझ पाओ, भगवान तुमसे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे द्वारा क्या कार्य करना चाहते हैं। मूसा वैसे थे, वो भगवान के साथ वैसा व्यवहार करते थे। क्या तुम एक प्रार्थना ग्रुप का नेता हो, क्या तुम एक चर्च में नेता हो, या तुम यूथ के साथ कर रहे हो, अगर तुम एक नेता हो, तब तुम्हें भगवान के साथ एक अच्छा बातचीत तुम्हारी होनी चाहिए। और उसके लिए तुम्हें निजी प्रेयर के लिए समय निकालना ज़रूरी है। भगवान की बात सुनो, वो तुम्हारे से आज क्या करना चाहते हैं, इस हफ्ते क्या करना चाहते हैं, इस महीने क्या करना चाहते हैं, इस साल क्या करना चाहते हैं तुम्हारे द्वारा। और समझो उनसे, वो तुम्हारे द्वारा अपने लिए और तुम्हारे साथ क्या कार्य करना चाहते हैं।
और जब और नून का पुत्र नवयुवक यहोशा मूसा का सहायक था, यहोशु सदा तंबे में रहता था जब मूसा उसे छोड़ता था। मूसा हमेशा भगवान के साथ रहना चाहता था, ये हम समझते हैं इस वाक्य से। मूसा ने यहोवा से कहा, तूने मुझे इन लोगों को ले चलने को कहा, किंतु तूने यह नहीं बताया कि मेरे साथ किसे भेजोगे, किसे भेजेगा। तूने मुझे कहा, मूसा थोड़ा सोच रहा था। उसने सोचा कि एरन उसके साथ आएगा या उसकी बहन उसके साथ आएगी, उसको नहीं पता था। वो सोच रहा था कि कोई इंसान उसके साथ आएगा, लेकिन भगवान उसकी अपनी कृपा को उस मूसा के साथ भेज रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जब हम भगवान के परिस्थिति उपस्थिति में हैं, तब भगवान तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए एक नई चीज़ खोलेंगे, तुम्हारे लिए एक नई अवस्था खोलेंगे कृपा के लिए। और यहाँ बाइबल का वचन और आगे बोल रहा है कि तुमने बोला कि लोगों को तो लेके आओ, लेकिन तुमने बोला नहीं कि कौन तुम्हारे, कौन मेरे साथ जाएगा। अब मैं आगे क्या करूँ? I know you by name and you have found favor in my sight. Okay. Now if I have found favor in your sight, तब तूने मुझसे कहा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यदि तुझे मैंने सचमुच प्रसन्न किया है तो अपना निर्णय मुझे बता। मूसा भी बोल रहा है कि मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, मैं कहाँ पे तुम्हारे लोगों को लेके जाऊँ, मुझे अपना पथ दिखाओ। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम हमेशा भगवान से पूछते रहो कि मुझे अपना रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे इस झुंड जो मुझे तुम्हें दिया है, इन लोगों को मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, यूथ को या कार्यस्थल में या चर्च में, इन लोगों को मैं कहाँ लेके जाऊँ। अगर तुम हमेशा भगवान से पूछते रहो कि मैं इस साल क्या करूं, मैं इस महीने क्या करूं, जिससे मैं तुम्हें ज़्यादा जान सकूं, तुम्हारे कार्य को ज़्यादा जान सकूं, तब मूसा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ये भगवान का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मूसा बोल रहे हैं कि मुझे किसी की मदद भेजो, और भगवान बोल रहे हैं मैं तेरे साथ चलूँगा। दोस्तों, ये कितनी अद्भुत चीज़ है कि हम भगवान की उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। तो मूसा बोल रहे हैं आगे कि यदि हम लोगों के साथ, यदि तू हम लोग के साथ न चले तो इस स्थान में हम लोगों को दूर मत भेजो। मूसा के इस वचन से, इस व्यवहार से, इस प्रार्थना से भगवान बहुत प्रसन्न थे। तो मेरे दोस्तों, हमें ऐसा एक व्यवहार रखना चाहिए कि हे भगवान, आपकी उपस्थिति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे प्रार्थना ग्रुप में, मेरे दोस्तों के बीच, मेरे परिवार में या मेरे कार्यस्थल में। अगर आपकी उपस्थिति नहीं हो तो मैं इन लोगों के को साथ नहीं लेके जा पाऊँगा, इन लोगों के साथ मैं नेतागरी नहीं कर पाऊँगा। तो मूसा और आगे बोलते हैं, यदि हम लोग कैसे जानेंगे कि तू मुझसे और इन लोगों से प्रसन्न है? यदि तू साथ चलेगा तो हम लोग निश्चय पूर्वक यह जानेंगे। यदि तू हम लोगों के साथ नहीं जाता तो मैं और ये लोग धरती के अन्य दूसरे लोगों से भिन्न नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हम भिन्न होंगे।
अगर हम सिर्फ हमारे अंदर ही रहें, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, फिर हम भगवान की उपस्थिति के साथ नहीं रहेंगे और हम भिन्न नहीं होंगे। तब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने बोला कि जो बात तुमने बोली मैं वही चीज़ करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है। और फिर भगवान उन्हें अपनी महिमा दिखाने लगे थे। और फिर भगवान बोल रहे हैं, मैं उन लोगों पर कृपा और प्रेम दिखाऊंगा जिन्हें मैंने चुना है। तो मेरे दोस्तों, हमें ये सीखना ज़रूरी है कि भगवान अपने पथ दिखा रहे थे और अपने कार्य दिखा रहे थे इज़राइल के लोगों को। हम भजन संहिता 103 में देख रहे हैं, 7वें वचन में, उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे दोस्तों, काफ़ी बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या काम करें। तब हमें भगवान से बोलना है कि आप मुझे अपना निर्णय बताइए, आप मुझे अपनी योजनाएं दिखाएं, अपना बुद्धि दिखाएं, जिससे कि आपके लोग आपका महिमा देख पाए, आपके लोग आपका महिमा देख पाए, आपके चमत्कार देख पाए। मेरे दोस्तों, जब वो मूसा के लोग, इसराइल के लोग अमेलेको के साथ लड़ाई कर रहे थे, तब जितने समय मूसा अपने हाथ ऊपर करके रख रहे थे, तब वो युद्ध जीत रहे थे। तो मेरे दोस्तों, जब हम नेता बनते हैं और अगर हमें लगता है कि हम ही अपने बल से सारा काम कर सकते हैं, तब हम जीत नहीं प्राप्त करते हैं। क्या तुम सिर्फ अपनी महिमा के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम हमेशा अपने आप को सबसे सामने रख रहे हो? तब मेरे दोस्तों, तुम मूसा जैसे नहीं बन सकते। मूसा यहोशा से बाकी काम करवाते हैं और ये वापस भगवान के लिए से प्रार्थना करते रहते हैं। अगर जो लोग हैं जो हमेशा पहला आना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने ग्रुप में, जो चाहते हैं कि हमेशा मैं ही सबसे आगे हूँ, कि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें गलत करूँ लेकिन मैं सबसे आगे रहूँ, मेरे दोस्तों, अगर हम ऐसे हैं, अगर हम बाकी लोगों से कार्य नहीं करवाते हैं, बाकी लोगों से उन जो कार्य भगवान उनसे करवाना चाहते हैं, अगर हम वो नहीं उन्हें करने दे रहे, तब वो सही नहीं है। उनको वो कार्य करने दो जो भगवान ने उनके द्वारा करवाना चाहते हैं। तुम उनके लिए प्रार्थना करो। काफ़ी बार ये करना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं है ये कि हम पीछे जाके प्रार्थना करें। वो सबसे आगे रहना चाहते हैं कि लोग हमेशा उनका चेहरा देखते रहें, लोगों को लगे कि वही सबसे महान है। मेरे दोस्तों, हमें मूसा के जीवन के द्वारा ये समझना ज़रूरी है कि वो हमेशा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जिनको भगवान ने हमें दिया है। ये नंबर्स संख चैप्टर 11 में लिखा है। मूसा ने 72 लोगों को चुना और उनको भगवान की के लिए चुना, लेकिन सब लोग उनके साथ नहीं थे। दो जने एलदाद और मेदाद भगवान मूसा के तंबू में नहीं आए, वो अपने ही तंबू में रहना चाहते थे। बाकी लोगों ने सोचा कि ये लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो
सोसाइटी और दिस तो वो लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो उनको भगवान का अभिषेक नहीं मिलेगा. तो बाकी लोग इन एल्दाद और मेदाद को छोड़ रहे थे, उनको वो भुला रहे थे, वो अनदेखा कर रहे थे. तो जब वो 70 लोग जो अंदर थे तंबू में, जब उन लोगों के लिए जब वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, तो वो दो जने भी अलग रह के वो भी अभिषेक वो भी भविष्यवाणी कर रहे थे. तो बाकी लोग जो इनको अनदेखा कर रहे थे, इन दो जनों को, कि उन दोनों को छोड़ दो, वो लोग गलत हैं, उनको उन पर अभिषेक नहीं है, उनको भविष्यवाणी देने से रोको. तब मूसा के जो कार्य हैं उसकी अच्छी सोच सोचो. मूसा बोल रहे हैं, जब बाकी लोग से उसे बोल रहे हैं कि मत छोड़ो, बाकी लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, तब मूसा बोल रहे हैं कि यही है भगवान का हित. सारे लोग भविष्यवाणी करेंगे, सारे लोग को पर अभिषेक है भगवान का, पवित्र आत्मा को तुम नहीं रोक सकते. सारे लोग एक साथ आके भगवान का शरीर बनाएंगे. यही मूसा की खुली सोच थी, खुलापन था. तो मेरे दोस्तों, ये भगवान से ये प्रार्थना करो कि वो हमारी सोच को खोल सके. हमें अपनी सोच को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना चाहिए, जिससे हम बाकी लोगों को नीचा दिखाते रहें, अपितु हमें ऐसा एक इंसान बनना ज़रूरी है जो बाकी लोगों को प्रोत्साहित करे. भगवान पवित्र आत्मा के फलों को देख के बाकी लोगों को प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाए. मेरे दोस्तों, बाकी लोग नहीं समझ पाए, मूसा भी सच्ची में पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, लेकिन उनने भगवान के हित को महसूस किया और उसके साथ अपनी सोच को बदलने की कोशिश करी कि सिर्फ इन 70 लोगों को नहीं, सारे लोगों के लिए है भगवान. मूसा ने भगवान के हित को स्वीकार किया और उसके द्वारा उनने अपने वचनों को बोला कि सारे लोग भविष्यवाणी करेंगे, सारे लोगों ने अभिषेक, सारे लोगों पर भगवान का अभिषेक है. वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहोवा सभी लोग भविष्यवाणी करने योग्य हो. मैं चाहता हूँ कि यहोवा अपने आत्मा उन सभी पर भेजें. एक्ट्स चैप्टर 3:22 में लिखा है, मूसा ने कहा था, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने लोगों में से एक मेरे जैसे नबी खड़ा करेंगे, वह तुमसे जो कुछ कहे तुम उस पर चलना. ये व्यक्ति सब कुछ पूर्ण करेंगे, सत्य का पूर्ण और जीवन का पूर्ण रहस्य, सब कुछ वो एक इंसान पूरा करेगा. प्रभु क्रिस्त हैं वो, प्रभु यीशु हैं वो. हमें ये उनके जैसे बनना है. अगर तुम नेता हो तो हमें भगवान प्रभु क्रिस्त की तरह बनना ज़रूरी है, और हम सबको पवित्र बनना चाहिए. हमें जितना पवित्र हम हो सके उतना पवित्र हमें बनना ज़रूरी है. अभी हम अपने आंखें बंद कर दें और इस कृपा के लिए हम अभी प्रार्थना करें, हमारे लिए और हमारी नेताओं के लिए. हे मेरे भगवान, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो एक नेता है, और तुम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो. अगर तुम अपने एक झुंड एक समूह का तुम भाग हो, तब उसके लिए प्रार्थना करो, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो,
अपने पोप के लिए, पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करो, आपके सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो और भगवान के नाम से प्रार्थना करो। और अभी हम माता मरियम से हमारे सारी नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पर पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय में, आमीन। अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगा है, और जिन लोग जो लोग टाइप कर रहे हैं या चैट में प्रार्थना मांग रहे हैं, अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने लोगों को चिकित्सित करो, अपने लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करो। एल्विन अभी हमारे लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेगा एक गीत के द्वारा, हम सब के चिकित्सा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने लोगों को चंगाई प्रदान करो, अपने लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करो, अपने लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करो। हे मेरे भगवान, आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ते। मैं अभी उन सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करता हूँ जो YouTube में लिखे जा रही हैं। हे मेरे भगवान, आपकी कृपा, Mighty name of Jesus we pray and we trust. Amen. Amen. Let us give all glory to our Father, Son and Holy Spirit. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So my dear friends, let us meet again on next Sunday, the same place, the same time. Good morning or good night, wherever you are. Bye-bye.